आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सामने आया है नया स्टिंग। ये ऑडियो स्टिंग है जिसमें वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता उमेश सिंह से कर रहे हैं बातचीत। कह रहे हैं कि मैं नई पार्टी बनाने की सोच रहा हूं, गुटबाजी की वजह से झगड़ा पसंद नहीं है। लेकिन इसके आगे वो भाषा की मर्यादा को लांघकर अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं और खास तौर पर प्रोफेसर आनंद कुमार के लिए। इसी के साथ वो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इन तमाम लोगों को काले दिल का कहते हुए नजर आते हैं। सुनाई ये भी देता है कि वो कह रहे हैं कि मैं इन सब से तंग आ चुका हूं और सबको लेकर मैं ही चलूं, इसका क्या मतलब है? सुनिए स्टिंग ऑपरेशन। लेकिन ये है कि सर, आखिर आप बाहर रहेंगे तो चीजें कैसी होंगी, कैसे होंगी, आप खुद ही तो बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अब तो सर चीजें कहां तक पहुंची हैं ये कुछ आइडिया नहीं मुझे लग पा रहा है। लेकिन ये है कि मैं एक चीज बस जानता हूं कि आप में वो कैपेबिलिटी है। मैं देख रहा था कि आप नेक्स्ट बड़ा काम कर सकते हो और ये भी देख रहा था कि उसमें कुछ लोगों की महती भूमिका आपके साथ हो सकती है, वो योगेंद्र प्रशांत आनंद सारे लोगों की, और सब लोग आपको नेता मानते हैं, इसमें भी मैंने कभी कोई दो राय नहीं पाया। दूसरी टीम मैं ये मानता हूं कि उन लोगों के कंपैरिजन में उतनी इफिशियंट तो नहीं दिख रही है। अब ये है कि आप और लीडर का मतलब होता है कि वो विभिन्न धारा के लोगों को एक साथ खींच के आकर्षित करके अपने साथ लेके चल दे। अगर ये चीज डेवलप है और ये आपने कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश में वैक्यूम है, मोदी का के बस की चीज नहीं है, उसे आपने दिल्ली में हरा के दिखा दिया। आप उससे बड़े नेता बन के उभर सकते हो। जहां तक चुनाव या संगठन विस्तार की बात है, ये सब चीजें जब वहां जिस राज्य में चुनाव घोषित हो उस समय तय की जाए। और आप भरोसा रखो, मैं उन लोगों से भी मिलता हूं, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद को रिप्लेस करके हमें लीडर बनना है। अरविंद को आगे करके वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और कुछ चीजों में मैं ये मानता हूं कि प्रशांत जी की जिद रहती है कि भाई और ये चीजें हैं तो ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा। लेकिन यह है कि बस अब आपको अलग रखे हैं शायद, मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले चार दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू करो, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टिसिपेट, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट थी। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग, इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है हमारे, हमारे में क्षमता कम हो सकती है लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए, सुनिए मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने है, नहीं तो मैं अपने 67 ML लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो उनसे जाके बात करो ना, उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो, एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। सॉरी सर अगर मेरी बात।
ये आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को सुन रहे थे। इधर अब सफाई भी आई है केजरीवाल के नए स्टिंग पर। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा है कि गुस्से में केजरीवाल के मुंह से अपशब्द निकल गए। आम आदमी पार्टी में लड़ाई खत्म होती नहीं दिख रही है। दोनों तरफ से आज फिर एक दौर चला एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन का, और अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और स्टिंग आया है। आशुतोष, एक और स्टिंग ऑपरेशन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आया है। गाली देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल को तो हम लोग नहीं जानते। क्या ये पब्लिक में स्टिंग हुआ है या कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन? मैंने देखा नहीं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया गया, क्या चीज़ है ये? एक रिकॉर्ड है कॉन्वर्सेशन, आपके कार्यकर्ता हैं उमेश जो वाराणसी के हैं, उनका और अरविंद केजरीवाल का बातचीत है। मतलब किसी प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव को गाली देते सुनाई पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? किसी को जानकारी नहीं ना कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो तो बचपन में पिटाई भी कर देते थे, गाली गलौज भी देते थे। आपके पिताजी भी नाराज होते होंगे, आपसे बहुत सारी बातें करते होंगे। जब मैं एडिटर था तो मैं अपने जो साथी होते थे उन पर बहुत गुस्सा हो जाया करता था। तो अगर कोई प्राइवेट में कोई बात हुई है, उसको इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की ज़रूरत है? मैं इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र देख रहा हूँ कि जिस दिन प्रशांत जी ने सुबह ये कहा कि भाई सच आज सबके सामने आ जाएगा, उसी दिन दोपहर के वक्त राजेश गर्ग का एक स्टिंग ऑपरेशन सारे टीवी पर चलने लगता है। आज जब बातचीत टूट गई, उसी दिन अचानक फिर एक स्टिंग ऑपरेशन आ जाता है। एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, एक ऐसा कॉन्वर्सेशन जो सामने आता है और उसके आधार पर आप छवि बनाने की कोशिश। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब किया जाए, एक मिनट, पार्टी की छवि को खराब किया जाए, और बहुत सारी शक्तियां आज ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती हैं और आम आदमी पार्टी आपकी ये बात मानी। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा है अरविंद योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ मैं काम ही नहीं कर सकता, कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी बना लेंगे। तो इससे तो कार्यकर्ताओं को धक्का लगा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली के 67 कैंडिडेट्स को लेकर, अपने एमएलए को लेकर मैं दूसरी पार्टी बना लूं। आपने भी बहुत आम आदमी पार्टी कवर किया है, आपने देखा किस तरीके चुनाव के दौरान पार्टी को हराने की कोशिश की गई। यहां तक कहा गया कि पार्टी जो है वो 10-12-20 से 22 सीट जीत जाए। लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, यही प्रशांत जी थे। शांति भूषण जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तो अजय माकन से भी गए गुजरे हैं, उनको तो हटा देना चाहिए, योगेंद्र यादव को हटा देने। और जब पार्टी जीत गई 67 सीटें जिनमें इनका कोई योगदान नहीं है, उसके बाद अब ये पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो आदमी को गुस्सा नहीं आएगा? आप अगर अरविंद की जगह होते तो आपको गुस्सा नहीं आता? अगर कोई आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करे, आपकी पार्टी को हराने की कोशिश करे, तो गुस्सा होंगे या नहीं गुस्सा होंगे? आप इस सवाल जवाब दीजिए। जाहिर तौर पर एक और मैं आपसे सवाल पूछना है ना, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इससे कहीं ना कहीं एक बात ये सामने आती है कि चाहे कोशिश कुछ भी करी हो, चाहे दिखावा आप लोगों ने कुछ भी करा हो कि हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इतने गुस्से में थे कि ये सब जो बातचीत का दिखावा था वो सब ढोंग था, गुस्से में बस वो पार्टी से उन्हें बाहर ही करना चाहते थे। देखिए, अगर ये आप बता देते कितने दिन पुराना है तो भी बहुत अच्छा। 22 मार्च का है और उसके बाद अगर अरविंद जी वाकई गुस्से में थे, अगर वाकई में चाहते बातचीत नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि जो बातचीत उसके बाद भी चली, बातचीत कल तक चली है? कल कौन सी तारीख थी? कल तो 25 तारीख थी, कल 26 तारीख थी, कल 26:02 बजे तक बातचीत हुई है। यानी गुस्सा एक अलग चीज़ है, वो मानो एक मानवीय पहलू है जो निजी क्षणों में आदमी गुस्सा करता है। उसका बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ा। हम बातचीत पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे, हम एक सहमति पर पहुंच चुके थे, हमने ये तय कर लिया था कि हम सारे लोग मिलकर, चाहे प्रशांत जी हो, आनंद जी, हम सब लोग मिलकर एक माफ़ीनामा करेंगे वॉलंटियर्स के, और बोलेंगे हमने गलतियाँ की हैं, पार्टी की छवि खराब की हम। अगर वो गुस्से में, अगर वो नाराज होते, अगर वो चाहते बातचीत नहीं होती, तो आपको लगता है बातचीत? अरे, सवाल का जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए, प्रशांत जी को देना चाहिए, योगेंद्र जी को देना चाहिए कि पहले पार्टी को हराने की कोशिश की गई, अब पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब सारी बात सहमति हो चुकी थी तो 4 घंटे के बाद आप सारी बातों से पलट गए और आप कहते हैं आपकी कोई बात नहीं मानी। आखिरी सवाल आपसे, ये बात जायज़ है कि गुस्सा आ सकता है अगर नेगोशिएशंस में या पार्टी को जिस तरह से आप कह रहे हैं धक्का पहुंचाने की कोशिश करी थी, इस जाहिर से बात है गुस्सा आ सकता है। कहीं ना कहीं केजरीवाल ये कहते हुए दिख रहे हैं कि पार्टी अगर अलग होती है तो हो जाए, योगेंद्र प्रशांत आम आदमी पार्टी को लेकर जाना चाहते हैं चले जाएं, मैं एक अलग पार्टी बना लूंगा दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के एमएलए को लेकर। क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति सिर्फ दिल्ली के लोगों को लेकर है कि गुस्सा इतना ज्यादा है कि पार्टी जाए, बाहर के जो लोगों की उम्मीदें हैं वो सब कहीं और चली जाएं, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये झल्लाहट में निकली हुई बातें, आप इस बात को समझिए भाई। आपने इतना परेशान कर दिया है तो मैं कह रहा, ठीक है भाई, अब तुम ही पार्टी चलाओ, हम अपने 67 एमएलए लेकर अलग हो जाते हैं। ये झल्लाहट की बात है। आपको भी गुस्सा आता है, मुझे भी झल्लाहट आती है, नाराजगी अंदर से होती है। आपने खून इस पार्टी को, हम सब लोगों ने, लाखों वॉलंटियर ने खून पसीना देके खड़ा किया है। उस पार्टी ने दुनिया में एक नाम बनाया है। उस पार्टी को अगर हराने की कोशिश योगेंद्र जी, प्रशांत जी, शांति भूषण जी करें और उसके बाद तोड़ने की कोशिश करें किसी न किसी के इशारे पे, तो ये तकलीफ। आप ये तो मानेंगे छवि खराब हुई है स्टिंग ऑपरेशन से? नहीं,
मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल की छवि सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन से नहीं, ये जो पूरा प्रकरण है इस प्रकरण से आम आदमी पार्टी की छवि को धक्का लगा है। ये नहीं होना चाहिए। जीत के बाद हमें दिल्ली पर कंसंट्रेट करना चाहिए था, उसमें निश्चित रूप से एक कांटा तो आया है। आशुतोष थे बिल्कुल कहते हुए कि ये गुस्से में झल्लाहट में कही हुई बात है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो खुद भी मानते हैं आम आदमी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की खासतौर से छवि पर इससे फर्क जरूर पड़ेगा। अंकित त्यागी, दिल्ली, आज तक।